इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड यानी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही हमें कई तरह के फिल्मों से हमारा मनोरंजन करने में काफी थी। यहाँ की फिल्में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुआ करती आई हैं और अच्छे मनोरंजन परोसते हुए अच्छा इनकम भी कर रही हैं। बॉलीवुड फिल्मों की पॉपुलैरिटी के आगे बहुत से रीजनल फिल्मों को कुछ खास अवसर नहीं मिल पाता था। अक्सर कुछ ही बड़े एक्टर्स की फिल्में ही अपने रीजन से ऊपर उठकर पैन इंडिया पर अपनी इम्पैक्ट बना पाती थी। सच तो यह है कि ऐसा कहना भी गलत होगा कि ये रीजनल फिल्में अच्छा नहीं हुआ करती थी, बस हम तक पहुंच नहीं पाती थी, हम लोग देख नहीं पाते थे, तो हमें कभी पता भी नहीं चला कि ये फिल्में कितनी बेहतरीन हुआ करती थी। सोचिए, अगर ये फिल्में अच्छा ना होती तो भला बॉलीवुड क्यों इनके रीमेक बनाता। दरअसल इन रीमेक फिल्मों ने ही हमें ओरिजिनल फिल्मों को देखने पर विवश कर दिया है, और रही सही कसर आज के एडवांस होते टेक्नोलॉजी ने पूरा कर दिया। अब बस हमें पता चल जाना चाहिए कि कोई अच्छी फिल्म आने वाली है। हम सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ही फैसला कर लेते हैं कि वो फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। अब फिल्म की भाषा हमारे मनोरंजन में बाधा नहीं बनती है, यानी अब बॉलीवुड की फिल्म हो या साउथ की, बस फिल्म अच्छी होनी चाहिए। बात अगर अच्छी फिल्मों की ही कर रहे हैं तो हाल के दिनों में कन्नड़ फिल्मों ने हमें कुछ ऐसी फिल्में दे दिए हैं जिस कारण हम सभी का ध्यान यहाँ की फिल्मों की ओर आकर्षित हुआ है। कन्नड़ सिनेमा भारत के कर्नाटक राज्य को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अधिकांश फिल्में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बनती है। सैंडलवुड के नाम से प्रसिद्ध इस फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास साइलेंट फिल्मों के निर्माण से शुरू हुआ था। 1934 में रिलीज हुई फिल्म सती सुलोचना पहली बोलती फिल्म थी, और कन्नड़ सिनेमा की पहली कलर मूवी अमरा शिल्पी जकनाचारी थी, जो कि 1964 में रिलीज हुई थी। उन दिनों कन्नड़ फिल्मों के लगभग सभी काम चेन्नई में हुआ करते थे, जैसे साउंड रिकॉर्डिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, यहाँ तक कि चेन्नई के स्टूडियो में ही शूटिंग भी करी जाती थी। अब आप समझ ही सकते हैं कि किन चुनौतियों से होकर उन दिनों एक मूवी बनती होगी। 40 के दशक में गुब्बी वीराना ने अपने कामों से लोगों को आकर्षित किया, जो अक्सर थिएटर नाटकों का निर्देशन करते थे। इनके नाटक मंडली में ही डॉक्टर राजकुमार भी काम करते थे, जो आगे चलकर मेगा स्टार राजकुमार के नाम से जाने गए। 60 के दशक तक यहाँ मुख्यतः पौराणिक फिल्में ही बन रही थीं। इस समय तक कल्याण कुमार, उदय कुमार और राजकुमार जैसे कलाकार अपने दर्शकों को कन्नड़ फिल्मों की ओर आकर्षित कर रहे थे। 70 के दशक में कन्नड़ सिनेमा ने एक नई करवट ली। अब पौराणिक फिल्मों के अलावा कॉमेडी, रोमांस और एक्शन वाली फिल्में भी बनने लगी। फिल्मों में नयापन आने से लोगों में इन फिल्मों से और भी लगाव बढ़ने लगा, और इस फिल्म इंडस्ट्री ने अच्छा खासा नाम कमाया, या यूं कहें कि 70 के दशक से कन्नड़ फिल्मों का गोल्डन एरा शुरू हुआ। फिल्म बनाने के अपने अनोखे तरीकों के कारण पुत्तना कनागल इस एरा के प्रमुख डायरेक्टर्स में शुमार किए जाएंगे। इन्होंने हमेशा ऐसी ही विषयों पर फिल्म बनाई जिन्हें अक्सर हमारा समाज एक टैबू मानता रहा है। इनके इसी जज्बे ने हमें नागर हाबू और सुबह मंगला जैसे मास्टरपीस फिल्में दी। इस अवधि को कन्नड़ सिनेमा का गोल्डन एरा कहने का एक कारण यह भी है कि इसी अवधि में दो और बेहतरीन कलाकारों ने कन्नड़ सिनेमा को अपने अभिनय से परिभाषित किया, SS विष्णुवर्धन और द रेबल स्टार अम्बरीश। इन दो बेहतरीन कलाकारों और डॉक्टर राजकुमार को कन्नड़ सिनेमा के त्रिमूर्ति की संज्ञा दी गई। इन तीनों ने सालों तक लोगों का मनोरंजन किया है। एक और जहां कमर्शियल फिल्में नई कीर्तिमान बना रहे थे, वहीं आर्ट फिल्मों ने भी अपनी छाप छोड़ने में कोई कसर न छोड़ी। डायरेक्टर TS नागाभरन को भला कोई कैसे भूल सकता है। इनके काम को अब तक 8 बार नेशनल अवार्ड से भारत सरकार ने सम्मानित किया है। समय समय पर कन्नड़ सिनेमा को और भी बेहतरीन कलाकार मिलते रहे हैं, जिनके योगदान से यह फिल्म इंडस्ट्री साउथ की प्रमुख फिल्म इंडस्ट्री बनती जा रही है। 90 का दशक और भी नए कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका देता है। फिल्म डायरेक्टर जैसे राजेंद्र सिंह बाबू, बी सोमा शेखर और HR भार्गवा ने अपने निर्देशन से कन्नड़ सिनेमा को और भी निखारा।
इन्हीं दिनों हमसे लेखा जैसे मेलोडियस म्यूजिक डायरेक्टर का उदय हुआ, जिनकी कंपोज की हुई धुनें आज भी लोगों को दीवाना बना रही हैं। कई बेहतरीन एक्ट्रेसेस को भी लाइमलाइट में आने का मौका मिला, जैसे सुधा रानी, मालाश्री, वनीता वाशु और तारा। 90 के दशक में डिजिटल रिवोल्यूशन हुआ, जिस कारण आने वाले समय में फिल्म बनाने और फिल्म देखने का स्तर ही बदल गया। एक लंबा संघर्ष भरा इतिहास रहा है कन्नड़ सिनेमा का, और आज यह फिल्म इंडस्ट्री अपने सबसे बेहतरीन समय से गुजर रहा है। नए वर्सेटाइल एक्टर्स की एक लंबी सूची है जो अपनी उपस्थिति से इस इंडस्ट्री को देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। इस शताब्दी की शुरुआत में हमें पुनीत राजकुमार जैसे बेहतरीन एक्टर मिले, दर्शन और कीचा सुदीप भी मिले। रॉकिंग स्टार यश ने एक्शन फिल्मों को एक अलग पहचान दिलाई। इनकी फिल्म KGF ने तो कमाई के कई नए कीर्तिमान बना दिए। वहीं रक्षित सेट्टी ने अपने यूनिक कॉन्सेप्ट वाली फिल्मों से नई ऊंचाइयों को छुआ है। कंथारा जैसे फिल्म से ऋषभ सेट्टी ने भी कन्नड़ सिनेमा की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है।